गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं आपके पैसेज, जिसमें अनसीन पैसेज जो कि आपके बुक के नहीं होते, बुक के बाहर के होते हैं और आपको उनको सॉल्व करना होता है, उनके क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। जैसे देखिए, आपका फर्स्ट पैसेज है सेवरल ईयर्स लेटर। पहले आप जब भी पैसेज दिया होता है उस पैसेज को आराम से पढ़िए, शांति से पढ़िए और उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके आंसर सॉल्व करने का करना होता है। देखो, पहले है सेवरल ईयर्स लेटर, यानी कई साल पहले। बाद में द ओल्ड जेंटलमैन, बात की बात है, द ओल्ड जेंटलमैन बर्थडे फीस्ट वॉज अगेन बीइंग हेल्ड। दोबारा से वो बूढ़े, जो बुजुर्ग आदमी है, व्यक्ति, जेंटलमैन सभ्य पुरुष, उसके जन्मदिन का भोज जो है आयोजित किया गया। मैनी गेस्ट केम, कई मेहमान आए, एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट, और उसके लिए उपहार लाए। एंड ही वॉज ग्रेटली लव्ड, सम ऑफ द गिफ्ट वर ब्यूटिफुल, और सब उसको बहुत प्यार करते थे, इसलिए गिफ्ट भी बहुत ही, उनमें से कुछ जो उपहार है वो बहुत सुंदर थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग अ स्ट्रेंजर केम ब्रिंगिंग अ स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, और शाम के अंत के अंदर एक अजनबी एक छोटा सा बक्सा लेकर आया, डब्बा, उस बूढ़े व्यक्ति के लिए। ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम, उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया। बट आस्क्ड इफ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, लेकिन उसने उससे कहा कि वो मिल सकता था क्या उस आदमी से। व्हेन द ओल्ड मैन ओपन द बॉक्स, जब उस बूढ़े व्यक्ति ने वो डब्बा खोला, ही फाउंड इनसाइड अ प्रेशियस पर्ल, उसे अंदर कीमती मोती मिला, वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी, जो कि बहुत अधिक मूल्य का था, धन का था। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली, उसने अपने नौकर को तुरंत उस अजनबी को लाने के लिए कहा। अब हमने ये पैसेज पढ़ लिया, अब जरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज देयर इन द बॉक्स, बॉक्स में क्या था। तो जब हम आंसर लिखते हैं ना, तो देखो, फर्स्ट है डब्ल्यू एच वर्ड, दूसरे नंबर पर आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हेल्पिंग वर्ब है, जब हम आंसर लिखते हैं, तो वो आती है आगे, सब्जेक्ट के आगे, यानी देयर इन अ बॉक्स, तो क्या आ जाएगा, देयर वॉज, देयर के बाद में लग जाएगा वॉज। अब वो बॉक्स में क्या था, तो नीचे लिखा है देयर वॉज अ प्रेशियस पर्ल। जरा सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, व्हेन ओल्ड मैन ओपन द बॉक्स, जो बॉक्स उसने खोला, ही फाउंड इन साइड अ प्रेशियस पर्ल, उसमें पाया, उसमें कीमती मोती था। तो इसका आंसर भी क्या बन रहा है, देयर वॉज अ प्रेशियस पर्ल इन द बॉक्स, ठीक है। सेकेंड देखें, व्हेन वॉज फीस्ट हेल्ड अगेन, दोबारा भोजन कब आयोजित किया गया। तो दोबारा देखो, ऊपर ही ऊपर की लाइनों में दिख रहा है, और सेवरल ईयर्स लेटर, यानी कई साल बाद, द ओल्ड मैंस बर्थडे फीस्ट वॉज अगेन बींग हेल्ड, दोबारा से आयोजित किया गया। थर्ड है, व्हाट डिड द स्ट्रेंजर वांट दैट इवनिंग, अजनबी उस शाम को क्या चाहता था, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर वांट दैट इवनिंग, वो उससे क्या मिलना चाहता था, लिखा है ही रिफ्यूज टेल, फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, लास्ट की लाइनों में ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम, बट आस्क्ड इफ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, यानी वो क्या चाहता था, उस आदमी से मिलना चाहता था। तो क्या आएगा, ही, अब यहाँ पे कुड है ना, जब आंसर देखो, आंसर जो ना पास्ट में है तो क्या बनेगा, द स्ट्रेंजर, डिड लिखा हुआ है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉन्ट की, लेकिन जब हम डिड हटाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का है तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द स्ट्रेंजर वॉन्टेड, वॉन्ट किस में बदल जाएगा, सेकेंड फॉर्म में वॉन्टेड, तो द स्ट्रेंजर वॉन्टेड टू सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ दैट इवनिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ ग्रेट वैल्यू। इस पैराग्राफ में से एक ऐसा शब्द ढूंढो जिसका अर्थ है ऑफ ग्रेट वैल्यू, यानी बहुत अधिक कीमती। तो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था, इसमें से कौन सा है इसका वर्ड, प्रेशियस, क्या है, प्रेशियस। तो ये तो मैंने आपको एक पैसेज, फर्स्ट पैसेज सॉल्व करके बताया, और नेक्स्ट देखिए, आपको नीचे मैंने जो पैसेज दिया हुआ है, आप मुझे इस पैसेज को सॉल्व करके और मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे, और दोनों पैसेज करना है। फर्स्ट वाला तो मैंने बोल दिया है, आंसर भी बता दिए हैं, तो वो तो करना ही करना है।
और जो ये सेकंड नंबर पे जो है इस पैसेज को भी आप करके और मुझे कॉपी में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको करवाया नहीं, ये होमवर्क है आपका। ओके, थैंक यू।